बजे के बाद, 4 बजे के बाद जितना आप उनसे पढ़ाएं उतना बेहतर। और देखिए उसी में कुछ बच्चा बहुत तेजी से पढ़ता है, लेकिन वैसे बच्चे बहुत हैं। तो सबसे अच्छा बच्चा और सबसे खराब बच्चे के बीच में जो गैप वो बहुत ज़्यादा होता है। और वही हम डीएल साहब से भी बात कर रहे थे, ये भी निदेशक प्राइमरी एजुकेशन रह चुके हैं। अच्छे बच्चे और कमजोर बच्चे के बीच में जो गैप है वो दूसरी तीसरी क्लास से सामने आ गया। उस गैप को अगर हमने तीसरी चौथी क्लास के अंदर नहीं बंद किया, ये जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी अच्छे बच्चे और खराब बच्चे के बीच में गैप ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। इस चीज को हमने करने के लिए मिशन दर्शन है। वही हम लोग आपसे निवेदन है कि 10 से 4 जो पढ़ाई होती है आप थोड़ा पहले आके थोड़ा बाद आके कुछ करें, कुछ ये करें कि साहब ये कमजोर जो बच्चे हैं उनको अलग से ध्यान दें। और ये कमजोर बच्चे एक क्लास में 5% नहीं है, 10% नहीं है, ये किसी किसी क्लास में 50% है। इस सच्चाई को मानते हुए इस चुनौती को हमें स्वीकार करना होता है। ये चुनौती आपकी है, हमारी, हम सबकी है। और ये पीढ़ी बर्बाद हो रही है। अब जो आप बताइए कि लड़का 8वीं में पढ़ आ गया, हम भी डीएम साहब से बात करें, 8वीं में आ गया, एक पन्ना हिंदी नहीं पढ़ सकता, गणित विज्ञान तो गया कहीं और, दो अंकों को जोड़ करना साधारण भाषा करना यही फाउंडेशन लिटरेसी है। फाउंडेशन लिटरेसी के बारे में बताया है कि फाउंडेशन लिटरेसी की परिभाषा क्या है, कि एक बच्चा पढ़ सके पूरा। अभी डीएम साहब भी बताएंगे फाउंडेशन लिटरेसी की क्या आता है। जिलाधिकारी से कहूंगा कि वो आपको एक्सप्लेन करें कि किसको कहते हैं कि एक बच्चा लिखने पढ़ने लायक हो। लिखाई पढ़ाई तो उसके बाद शुरू हो, हम बताते हैं।